इस वक्त शेख रशीद अहमद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अफवाहें हैं कि कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लंबी लाई जा सकती है, ये इमरान खान को कबूल नहीं होगी। इमरान खान आईन और कानून के मुताबिक अर्ली इलेक्शन चाहते हैं और शफाफ। सदके जाऊं, बिलावल धमकी दे रहा है। बिलावल जो है वो धमकी देने से पहले लाल हवेली से होके जाए। बिलावल की बात कर रहा हूँ और उस बिल्लो रानी की बात कर रहा हूँ जनाब। ये मुंह और मैसूर की दाल और बिलावल और सदर पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। पाकिस्तान की तारीख बदल गई है, पाकिस्तान की सियासत बदलने जा रही है और 26 यौम इंकलाब है इमरान खान के लिए। बैकडोर आरफ अलवी साहब के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं तो चलने चाहिए। सियासतदान सियासत के दरवाजे कभी बंद नहीं करता। दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। अपने हक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने हक के लिए अवाम सड़कों पर है। 7 महीने से इमरान खान ये कोशिश कर रहा है। 7 महीने से उसने अपनी जान हथेली पे रख के गोलियां भी खाई हैं और ये मजाक उड़ा रहे हैं कि 2 गोलियां लगी हैं, 4 लगी हैं। ये तुम्हारा मसला है, हमारा मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान की जान बच गई। वापस आ रहे नवाज शरीफ ने आना हो तो उसके पास रेड पासपोर्ट है, उसका भाई वजीर आजम है। अब पता नहीं, अगर कोरोना है तो अल्लाह उसको सेहत दे, अगर ड्रोना है तो उसको हौसला दे। मैंने कहा कि 30 नवंबर तक मैं टीवी से दूर हूँ, अभी मैं ट्विटर पे चला गया हूँ पहली दफा। मुझे पता नहीं था, मैं बहुत पहले ट्विटर पे चला जाता, मुझसे गलती हुई, मैं कौम के सामने माफी मांगता हूँ। मुझे इक्तदार में उतरने के बाद पता लगा ट्विटर कितना है। देखें फौज और अदलिया पर मैं बात नहीं करता। इमरान खान ने 3 दिन पहले बड़ा वाज़े बयान दिया है कि तैनाती में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, जो भी